डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा, डूंगरपुर में आसकरण द्वारा निर्मित बेणेश्वर शिवालय कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बे सोम माही। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस वागड़ राजा ने वागड़ राज्य के दो हिस्से करके अपने पुत्रों में बांट दिया था? तो ऐसा कौन सा राजा था जो वागड़ राज्य के दो हिस्से करके अपने पुत्रों में बांट दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी उदय सिंह। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना तीसरा, बेणेश्वर धाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बेणेश्वर धाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह वनवासियों का तीर्थ स्थल है। राइट है, वनवासियों का तीर्थ स्थल है, ये राइट है। दूसरा हो जाएगा, यह मर्त आत्माओं का मुक्ति स्थल माना जाता है। राइट ऑप्शन है, क्योंकि मुक्ति स्थल माना जाता है, जाते हैं लोग उनके अस्थियाँ वगैरह लेके। तो ये भी राइट है, बी भी राइट है, ए राइट है, बी राइट है, ए राइट, बी भी राइट है। अब सी देखते हैं, यह माही सोम व जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। राइट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं, उसके संगम पर स्थित हैं। तीसरा भी राइट है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी उपयुक्त। क्वेश्चन 4, गैप सागर झील के तट पर स्थित शिव ज्ञानेश्वर शिवालय किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी एक थंबिया महल। तो चलो दोस्तों, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं पांचवे क्वेश्चन की और अपना लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, एकीकरण के समय डूंगरपुर के महारावल कौन थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए लक्ष्मण सिंह।